असलम क्लास हाउ आर यू होप यूर आर फाइन एंड सेव एट योर होम क्लास थ्री ओपन योर बुक्स ऑफ एस एस टी पेज नंबर ट्वेंटी फोर टूडे वी विल स्टार्ट और न्यू यूनिट अ गुड सिटीज़न किसी को पता है गुड सिटीजन का मीनिंग क्या है गुड सिटीज़न का मीनिंग है अच्छा शहरी अब हम रीडिंग करेंगे और मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊँगी कि अच्छा शहरी किसको कहते हैं सो पुट योर फिंगरस ऑन योर बुक्स एंड लेट्स और रीडिंग अ पर्सन हु बिलोंग्स टू आ पर्टिकुलर कंट्री एंड लिवस इन अ स्पेसिफिक प्लेस इज़ कॉल्ड आ सिटीज़न एक इंसान जो किसी खास मुल्क या किसी ख़ास जगह पर रहता है कोई श, श, शहर या कोई भी गाँव उसको वहाँ का शहरी कहते हैं अगर वो गांव में रहता है तो उसकी शिनाख्त वहाँ से होगी उसको उस जगह का शहरी कहते हैं एवरी वन ऑफ अस इज़ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री हम सब जो हैं एक मुल्क के शहरी हैं हमारे पास इसकी शहरीत है डू वी नो वट इट मीन्स एंड हाउ वी कैन बिकम अ गुड सिटीज़न क्या हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है और हम एक अच्छी शहरी कैसे बन सकते हैं गुड सिटीजन आर पीपल हु हेल्प योर कम्यूनिटी एक जो अच्छा शहरी होता है वो एक ऐसा बंदा होता है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करता है दिस ट्राइव टू मेक इट बेटर प्लेस फॉर एवरी वन टू लिव वो अपने रहने की जगह को इतना बेहतर बनाता है कि सब इसके साथ रह सकें ये नहीं कि वो अकेला ही वहाँ पर रह रहा है जो इसके साथ रह रहे हैं उनका भी वो हयाल करता है वो इस जगह को इस इतना काबिल बना लेता है कि सब उसके साथ बहुत अमन और सुकून के साथ रहें दे ऑलवेज़ अंडरटेक वट कम्यूनिटी एक्सपेक्ट दैम टू डू वो हर चीज़ में सबकी मदद करता है वो हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि बाकी लोग इससे क्या तो कर रखते हैं वो सिर्फ अपने काम से काम नहीं रखता वो माशरे की उम्मीदों पर पूरा उतरता है हर बंदे की मदद करता है उनके हकूक़ का ख्याल रखता है एवरी वन कैन डिमॉन्स्ट्रेट गुड सिटीजनशिप बाई अंडरटेकिंग गुड अब हर बंदा जो है ना वो अच्छा शहरी होने के लिस्ट में आ सकता है वो कैसे ये गुड एक्शंस बाय गुड एक्शंस अच्छे काम करेगा तो वो जो है वो एक अच्छा शहरी बन जाएगा उस लिस्ट में आ जाएगा अच्छा शहरी होने की लिस्ट में आ जाएगा लेट्स रीड अबाउट दीज एक्शंस अब उन एक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उन अच्छे कामों के बारे में सो so, पहली हम लोग की हेडिंग कौन सी है इस टॉपिक की पहली हेडिंग है बाय प्लेइंग फेयरली एक अच्छा किरदार अदा करना जिसको सब एक्सेप्ट करते हो सही वाला मतलब कि सबके साथ अच्छे से रहना गुड सिटीजन डील्स फेयरली एंड ऑनेस्टली विद अदर्स जो अच्छा शहरी होता है वो सबके साथ अच्छा और सच्चा बन के रहता है सब मतलब कि सबके साथ ईमानदारी के साथ रहता है ठीक है दे डू नॉट चीट एनी वन वो किसी को धोखा नहीं देता दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ और वो हमेशा सच बोलता है दे आर नैबर डिसऑनेस्ट विद अदर वो किसी के साथ कोई बीमारी नहीं करते वो सबके साथ अच्छे से ईमानदारी के साथ रहते हैं एनी वन कैन बी अ गुड सिटीजन इफ दे ऑलवेज़ प्ले अ पॉजिटिव रोल इन देअर कम्यूनिटी हम सब एक अच्छे शहरी बन सकते हैं अगर हम एक अच्छा किरदार अदा करेंगे मतलब कि अच्छा रोल प्ले करेंगे ईमानदारी के साथ जैसे हम लोगों ने ऊपर ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग ये आपके पॉइंट्स बन सकते हैं अ गुड सिटीज़न डील फेयरली एंड ऑनेस्टली विद अदर्स मतलब कि ये एक आपका पॉइंट बन गया है बिल्कुल वैसे ही आप लोग जब एक किरदार अच्छा अदा करेंगे अच्छा काम करेंगे अच्छे एक्शन आप प्ले करेंगे तो आप एक अच्छे शहरी बन सकते हैं आप आगे पीछे वाले जो लोग हैं कम्युनिटी मीन बरदरी मतलब कि आगे सोसाइटी में जो आपके आगे पीछे रह रहे हैं उनकी हेल्प करेंगे आप तो आप एक अच्छे शहरी बन सकते हैं अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये रीडिंग आप लोगों ने करनी है सब रीडिंग जो है आप सब बच्चों ने अब ये रीडिंग कंप्लीट करनी है अपनी अगर आप लोगों को कुछ वर्ड्स के समझ नहीं आ रही मीनिंग तो आप मैसेज कर दें आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पर आप लोगों को मैं दोबारा से एक बार रीडिंग करवा देती हूँ अ पर्सन Who belongs to a particular country and lives in a specific place is called a citizen. Every one of us is a citizen of a country. We often hear the term a good citizen. Do we know what it means and how we can become a good citizen? Good citizens are people who help your community they strive to make it a better place for everyone to live. they always undertake what community expects them to do. expects to ako, undertake shuru community bradri. everyone can demonstrate good citizenship by undertaking good actions. let's read about these actions. by playing fairly, Ye first heading. Hai, okay?

और ये आप लोगों ने रीडिंग प्रिपेयर करनी है इसको अच्छे से आप लोगों ने बार बार रीड करना है और इसके जो आप लोग के ये जो है ना मीनिंग्स हैं इनको भी आप लोगों ने अपने माइंड में इनको सही से बिठाना है कि आप लोग से हम रीडिंग सुने जब टीचर तो आपसे किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछें तो आप लोग एक्सप्लेन कर सके ठीक है आप लोगों ने अब क्या करना है अच्छा शहरी बन के दिखाना है हम आपने हम इससे प्रॉमिस करना है कि आप सब भी एक अच्छा शहरी बनेंगे आप लोग भी अच्छे काम करेंगे अच्छा शहरी बनने के लिए सब बच्चों ने अब ये रीडिंग तैयार करनी है मैं आप लोगों से सुनूंगी आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है ओके स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़